दोस्तों, आप सभी को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की तरफ से एक चंडीगढ़ के बहुत ही विशेष व्यक्ति प्रिंस मेहरा जी हैं, जिनके पास मैं सेक्टर 35 में पहुंचा हूं उनके निवास पे। और अपने एक चंडीगढ़ एनिमल हस्बेंड्री में ड्यूटी करने के बाद समय निकाल करके पक्षियों की सेवा और चंडीगढ़ में सामाजिक कार्यों में अपनी पूरी भागीदारी निभाना इनके लिए बहुत ही महान कार्य है। और इनके बारे में बताऊं तो इनको लोग चंडीगढ़ में बर्ड एम्बुलेंस के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो अपनी बाईसाइकिल है उसको इन्होंने बर्ड एम्बुलेंस बना रखा है। और कहीं भी इनको कोई पक्षी अगर घायल दिख गई, बीमार दिख गई, उसके सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। तो आज के ज़माने में भी अपनी ड्यूटी, अपनी परिवार चलाने के बाद छोटे छोटे पक्षियों की चिंता करना, जब हम लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं, हम पेड़ पौधे की चिंता करते हैं, उसी में हमारे भाई प्रिंस मेहरा जी हैं जो कि एक पक्षियों की चिंता करते हैं। और यहीं तक नहीं, हम लोग तो सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के लिए हवन कराते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रिंस मेहरा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो उन मृत पक्षियों को एक साल में जो भी इनको मृत पक्षियां मिलती हैं उनकी सारे कर्म करने के बाद, अंतिम कार्य करने के बाद, उसके लिए विशेष रूप से हवन का आयोजन करते हैं कि उनके आत्मा को भी शांति मिल सके। उसमें मुझे भी कई बार इन्होंने भागीदार बनाया और मैं भी गया। और आज भी इनके घर में देखिए, उधर इतनी प्यार है इनका कि पक्षियाँ उड़ उड़ के आती रहती, अभी भी चहचहाने की आवाज़ आपकी वीडियो में आएगी। तो मैं इस तरह के व्यक्तित्व के आदमी को भी सलाम करता हूं जो कि इस चंडीगढ़ में पक्षियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और उसके बाद भी और भी सामाजिक क्षेत्रों में लगे रहते हैं। आज जैसे हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसमें प्रिंस मेहरा जी छोटे छोटे झंडे सबके गाड़ियों पे, सबके साइकिलों पे, सबके स्कूटरों पे लगा रहे हैं। इसके लिए भी इनको सलूट है कि जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है देश के लिए रचनात्मक ढंग से दे रहे हैं। इसी के साथ मैं इनके परिवार की और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहूंगा कि दो शब्द ये अपना रखें। मैं मधुसूदन जी जो एनजीओ है और उनके प्रभु साई जी का बहुत आभारी हूं जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जो अमृत महोत्सव पर इन्होंने मुझे तिरंगा और औषधि पौधा देकर मुझे सम्मानित किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप हर घर तिरंगा जरूर लगाएं, क्योंकि ये हमारे देश की शान है।